हेलो गाइस, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। कैसे आप सब? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। होके तो आप सब भी बहुत ही बढ़िया होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। बाकी आज की बात करें, हमारा दिन सुबह थोड़ी आज लेट चालू है, 1 बज चुका है। बाकी आज हमने सुबह ब्रेकफास्ट के एकदम कड़क फुल चार्ज वाला, जिसमें थे एक मिस्सी रोटी, ओए होए मज़ा ही आ गया था। साथ में राजमा, मम्मी के हाथों के एकदम बढ़िया वाले, साथ में कड़क चाय। एक तो सोने पे सुहागा हो गया आज ब्रेकफास्ट में। बाकी आज बार मौसम की बात करें, मौसम आज बिल्कुल पूरी तरह खुल चुका है। आज बहुत कहते हैं ना, बढ़िया वाली सुहानी धूप निकली है, वो निकली है और आज हम ले गए थोड़ी धूप का मज़ा। और दिन की मैं बात करूँ, प्लान ये है कि कोई प्लान नहीं है, सीरियसली कोई प्लान नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है, आपको भी दिखाएगी। सो स्टे ट्यून्ड, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं आपसे ऊपर छत पे। यहाँ पे मैं अपने बढ़िया वाले फुल चार्ज वाले ब्रेकफास्ट की कुछ शॉट कर रहा हूँ। जल्दी से जाकर शॉट को एंजॉय कर तो करो। मैं जाता हूँ ऊपर और आपको दिखाता हूँ कितनी बढ़िया धूप निकली है आज। बाकी आप एंजॉय करो, हम मिलते हैं सीधा ऊपर। ये देखो आज कितने दिन बाद प्यारी प्यारी धूप निकली है, मजेदार मजा ही आ रहा है। यहाँ से हिलने का मन भी नहीं कर रहा, छत पे बैठे बैठे। ये प्यारी धूप निकली है, कितने दिनों बाद निकली है ना धूप, कितने दिनों बाद। यहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा है ना। अरे पापा जी लग गए काम पे, घर पे जितने पौधों की सारी देखभाल पापा जी करते हैं। देखो बारिश में गीली हो जाती है मिट्टियाँ ना, काई आ जाती है ना, हाँ हटानी पड़ती है फिर। इसमें लास्ट वो कब डाला था? अभी थोड़े दिन पहले ही डाला था, पिछले हफ्ते ही। पिछले हफ्ते? और अब कब डालेगा? अब हफ्ते से 15 दिन बाद डालते हैं हम। हैं सब पे करोगे? अच्छा ये लहसुन है, ये वाला? हाँ। ये लहसुन है, ये मनी प्लांट हो गया, कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ता, और ये प्याज। ये प्याज जो घर में वो सर्दियों में प्याज उग जाते हैं ना, ये हमने उसी को वो मिट्टी में डाल दिया था। अच्छा। और इसके पत्ते निकलते हैं। अच्छा। सलाद बना के खाते हैं कभी प्याज के साथ। और ये कितने दिन में प्याज बन जाता है पूरा? प्याज 1-1.5 महीने में बनता है, 15-20 दिन हुए हम इसको एक बार। ये क्या है, इसमें क्या था? कड़ी पत्ता है ये। अच्छा, ये कड़ी पत्ता तो कड़ी पत्ता गर्मियों में होता है ना, कड़ी पत्ता शुरू हो गया निकलना, सर्दियों में ये डोरमेट्री में चला जाता है। अच्छा, मेरा प्याज सर, प्याज उग जाते हैं ना, उसी को हमने डाल दिया। हम इसमें पहले 2 बार हम निकाल चुके हैं। ये वाला आ रही है ना, और वो भी है ना वहाँ पे, वो भी आ रही है ना। इसकी एक टहनी लाके मिट्टी में लगा दो। अच्छा। और अपने आप इतना बन जाता है कि जितना मर्जी ओरिगेनो बाजार में, जबकि 600-800 रुपए किलो मिलता है। और ये भी ऐसी होता है, एलोवेरा भी छोटे से बड़ा हो जाता है जितनी जगह मिलती है ना। एलोवेरा एक लगा दो, उसके बाद जितने मर्जी चलता है। 3-3 एलोवेरा, एक ये दो और ये तीन, सबसे पुराना ये है ना, ये तो अभी लगाया था, ये बड़ा हो गया ना, इसी में से एक लेके लगाया था, उसमें फिर 10 हो गए। और ये वाला कौन सा है हमारा, सदाबहार का? ये सदाबहार, इसमें फूल आते हैं गर्मियों में, सर्दियों में नहीं आते ना। आएंगे, ये देखो फूट रहे ये। अच्छा, पौधों का काम चालू है, इससे इनको जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहती है ना, तो फिर जल्दी से वो होते हैं, पानी जो अंदर रहता है वो फिर सूख जाता है, नहीं तो ऐसे फिर जड़ों को गला देता है। अच्छा, इससे जड़ें भी गल जाती है अगर पानी पानी ज्यादा मिल जाता है बारिशों में जैसे, तो फिर ज्यादातर रुक जाता है तो फिर गल भी तो जाता है ना। ऐसे इनको करना चाहिए जिससे हवा मिलती रहे जड़ों को, एक तो फंगस ना लगे और तुम्हारा ग्रो भी जल्दी होते हैं। ये मनी प्लांट का भी ऐसे ही है,
ये हमने इसमें हम ऑर्गेनिक खाद डालते हैं। मेरे को भी दे दियो पानी। इसमें हम ना आलू जैसे छिलते हैं घर में उसको वो करके उसका पानी डाल देते हैं। आलू का पानी अच्छा होता है पौधों के लिए, प्रोटीन मिलता है। और एक दो चीजें और भी तो होती है, खाद बनाने के लिए रखी हुई है अपने घर की सब्जियों की, घर की नेचुरल खाद। इसमें क्या क्या था? इसमें जो घर की किचन में से वेस्ट निकलता है। अच्छा, किचन ग्रीन वेजिटेबल का दे देख लो भाई, वो डाल दिया था हमने। एक इसको महीना हो गया, करीब 60% तैयार हो चुकी है। किचन वेस्ट 15-20 आप एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हो घर पे। और कितने दिन में रेडी हो जाती है खाद? 1-2 महीने में। अच्छा, 1.5-2 महीने ये डब्बा ऐसे ही पड़ा रहेगा आलू के छिलके, है ना? ये है ना, ये अभी भी डाले शायद कल डाले थे। ये देख लो भाई, ये लहसुन था, छोटी छोटी गांठें जो हो रही थी उसको, वो तो खराब हो रही थी। हमने इसको डाल दिया, अब हरे पत्ते निकल रहे हैं। इसको अपने सब्जी में यूज करेंगे, चावलों में बनाएंगे ना। इसी के लिए आप सोच रहे होंगे एकदम से हेलमेट में कैसे आ गया, वो आपको आराम से खड़े होकर बताएंगे। पर अभी क्या होने वाला है, अभी हमारा लगने वाला है ओवरऑल पूरी दिल्ली का चक्कर। यहाँ से पहले हम जाएंगे आउटर रिंग रोड, वहाँ से फिर रोहिणी, वहाँ से फिर पुरानी दिल्ली, वहाँ से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, फिर घूमते घुमाते वापसी आ गए। भाई इतना जाम है आज, ऐसा लग रहा है जेल से कैदी छूटे हैं, पूरी दिल्ली यार सड़कों पर है ना। चलो चलते हैं बाकी अपनी मंजिल की तरफ, बाद में दिखाते हैं आपको। एक तो ट्रिपलिंग, ऊपर से इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं आजकल के बच्चे। इनकी एज मैक्सिमम एज इनकी 17-18 होगी विदाउट हेलमेट, और इतनी रैश ड्राइविंग, ऊपर से ट्रिपलिंग। यार ये अवॉइड किया करो, आपके लिए भी अनसेफ है, सामने वाले के लिए भी अनसेफ है। आप अपनी जान तो जोखिम में डाल रहे हो, साथ ही साथ जो सामने चला रहा है उसकी भी डाल रहे हो। इसी वजह से दिल्ली में एक्सीडेंट बहुत होते हैं, बट बच्चे मानते नहीं आजकल के। मेन चीज़ है, अगर आप सड़क पे जाते हुए एम्बुलेंस को देखो ना, सबसे पहले उसको साइड दो यार, ताकि हो सकता है आपके साइड देने से किसी की जान बच जाए। हाँ बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हमें यहाँ पे मंगोलपुरी मार्केट में था एक छोटा सा काम, जस्ट वो करके अभी हम निकले हैं। 5 मिनट का काम था, अब हम निकलते हैं रोहिणी की तरफ। और बाकी मंगोलपुरी मार्केट की हमने फुल एक्सप्लेन वीडियो बना रखी है, उसका जो जाए देखना चाहता है, कतल मार्केट के बारे में जानना चाहता है, वो जाके देख सकता है। तो अभी इसका सीन क्या था, अभी वहाँ पे एम्बुलेंस अटकी पड़ी थी और एक टेम्पो वाला बेवकूफ साइड ही नहीं दे रहा था। मतलब 2-3 मिनट वही अटके रही, हॉर्न देने के बावजूद साइड नहीं दी, और अब जाके निकली हो एम्बुलेंस। यार मैं फिर वही बोलना चाहूँगा, एटलीस्ट एम्बुलेंस को साइड दे दिया करो, उससे किसी की जान बच सकती है। मार्केट है, घूमते फिरते हम आ गए हैं मार्केट। क्यों आए, किस लिए आए, वो आपको पता चलेगा कल, जो आएगी कल वीडियो, तो मिस बिल्कुल मत करना। सर्दियों से रिलेटेड ही है, गेस करना और हमें कमेंट सेक्शन में बताना क्या गेसेस है आपके। बाकी चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो आज आधा दिल्ली का चक्कर तो हमारा हो गया, आधा बाकी है, वो करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे सीधा घर। स्टे ट्यून्ड।
भाई जस्ट हम आए थे शक्तिनगर शास्त्री नगर के पास, और यहाँ पे जो काम था वो भी हो गया, वो भी आपको पता चलेगा दूसरे चैनल पे जाके ईट एंड ट्रीट पे। पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, बाकी आपसे घर जाके भी बात करेंगे, वो आपको पता चलेगा हमारे ईट एंड ट्रीट चैनल पे। बाकी स्टे ट्यून्ड, आगे चलते हैं पुरानी दिल्ली की तरफ और आपको दिखाते हैं। ये हमारा गौरी शंकर मंदिर, और ये राजेश, तो देख लो भाई घूमते घुमाते हम आ गए चांदनी चौक। बोला था ना आपको आज तो पूरा दिल्ली टूर करके जाएंगे। यहाँ पे भी एक छोटा सा काम था, बाकी एक काम और है वो खत्म करते हैं और जल्दी से निकलते हैं घर की तरफ। जी सो जस्ट रीच होम एंड हैड अ कप ऑफ टी। बाकी अभी जस्ट पहुंचे अभी अभी हम घर, और एक आते ही सबसे पहले एक भर के कप भर के चाय पी। और भाई अभी तक मतलब बॉडी ना अभी तक वैसे ही झनझना रही है ठंड में, बाहर इतनी ठंड है इस टाइम क्या बताए। बाकी आज का दिन तो इतना हेक्टिक और इतना लंबा हो गया लिटरली क्या बताऊँ। जैसा मैंने बताया था कि पूरी दिल्ली का चक्कर लगने वाला है, यहाँ से हम पहले मंगोलपुरी, मंगोलपुरी से रोहिणी, फिर पुरानी दिल्ली, फिर वहाँ से झंडे वालन साइड घूमते घुमाते हम आ गए जी घर। और इतना हेक्टिक डे हो गया भाई, लिटरली सिर में दर्द होने लग गया अब इस टाइम। बाकी होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं जल्दी से एक नए व्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। आप लोग सोच रहे होंगे इतना पूरा दिल्ली घूमने का मकसद क्या था, हमारा क्या रीज़न था, बाकी वो रीज़न आपको पता चलेगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ हटके होने वाली है नेक्स्ट वीडियो, सर्दियों से रिलेटेड है, ये हिंट दे दिया। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आपको क्या लग रहा है। तो बाकी बस यही कहना था, मिलते हैं नए व्लॉग में, टिल देन।